For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. इस साल क्रिसमस का सेलिब्रेशन 3 दिन पहले ही शुरू होने वाला है। आफ्टर ऑल उसी दिन टाइगर जो आ रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इंडिया के लिए, जर्मनी में तो उससे भी 1 दिन पहले क्रिसमस की तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि टाइगर इंडिया से पहले जर्मनी में दस्तक देने वाले हैं। बता दे, जहां इंडिया में 22 दिसंबर टाइगर जिंदा है रिलीज होने जा रही है, वहीं जर्मनी में बसे सलमान खान के फैंस को 1 दिन पहले ही क्रिसमस का यह अनोखा तोहफा मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस फिल्म की। डायरेक्टर अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी ये स्पाई थ्रिलर अपने ट्रेलर और गानों को मिल रहे अपार सफलता के चलते लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जहां सलमान और कटरीना की केमिस्ट्री दर्शकों की धड़कनें बढ़ाती नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें अपने सुझाव नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में बताइए और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस की जबरदस्त केमिस्ट्री एक बार फिर रेस 3 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार है। वेल, इससे पहले ये दोनों फिल्म किक में एक साथ नजर आ चुके हैं। हालांकि ये इस जोड़ी की पहली फिल्म थी, लेकिन पहले फिल्म से ही इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों के दिलों में बस गई। बता दें, जैकलीन रेस 3 को लेकर काफी एक्साइटेड है और इसीलिए वो अपने किरदार को सही मायने में पर्दे पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक इस फिल्म में जैकलीन सलमान के सामने पोल डांस करती दिखाई देंगी और स्पेशल नंबर के लिए मिस फर्नांडिस अभी से ही तैयारी में जुट चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जैकलीन स्पेशल डांस नंबर को परफेक्शन के साथ पर्दे पर उतारना चाहती है, ताकि लोगों को काफी दिनों तक उनकी ये पोल डांस याद रहे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।